अगर आप हैं आदित्य रॉय कपूर के फैन और देखना चाहते हैं उन्हें एक्शन सीन्स में, तो फिर आपको देखनी चाहिए आज यानी 1 जुलाई को रिलीज हुई राष्ट्र कवच ओम। जी हाँ, ये वो ही फिल्म है जिसका टाइटल पहले ओम दी बैटल विद इन रखा गया था। कपिल वर्मा की डायरेक्टोरियल इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में आपको संजना सांगी, मिस्टर जैकी श्रॉफ, मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर प्रकाश राज जैसे भी कई बिग स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। अब फिल्म के एक्टर्स जितने कमाल के हैं, फिल्म की स्टोरी उतनी ही बढ़िया नहीं है। यानी अगर इन्हीं स्टार्स को किसी ऐसी फिल्म में कास्ट किया जाता जिसकी स्टोरी दमदार होती, तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर एक्शन की बात की जाए तो आदित्य के कई एक्शन सीन्स आपको सीटी मारने पर मजबूर कर देंगे, बट वही कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको थोड़े अनरियलिस्टिक लगेंगे, जैसे आदित्य का हेलीकॉप्टर को रोकना। वही फिल्म में संजना के भी एक्शन सीन्स हैं जिन्हें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भोली सी सूरत वाली लड़की ऐसे इंटेंस एक्शन सीन्स भी कर सकती है। जब फिल्म में थ्रिल की बात आती है तो आदित्य ओम है या फिर कोई और, या फिर फिल्म में जैकी जी और प्रकाश जी कौन है, ये भी थोड़ा सस्पेंस ही है। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब आदित्य अपने पापा यानी जैकी जी पर लगे देशद्रोही के दागों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उसी बीच चली जाती है उनकी याददाश्त। अब आदित्य की मेमोरी वापस आती भी है या नहीं, या फिर वो जैकी जी को इंसाफ दिलवा पाते भी हैं या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैकी जी पर लगे सारे इल्जाम सच ही हों, ये सारे ट्विस्ट आपको मूवी में पता चलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आप हर नेक्स्ट सीन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके होंगे, इसीलिए फिल्म की स्टोरी लाइन वीकल लगेगी आपको। फिल्म में आदित्य की एक्टिंग बढ़िया है, बॉडी बढ़िया है, एक्शन सीन्स अनरियलिस्टिक ही सही लेकिन आपको एटलीस्ट एंटरटेन करते हैं, बट स्टोरी बढ़िया ना होने के कारण आप कुछ खास एंटरटेन नहीं हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं राष्ट्र कवच ओम आपको हीरो पंती 2 एंड बागी 3 की याद दिलवा देगी, इसलिए हम राष्ट्र कवच ओम को रेट करेंगे 3 out of 5 stars। To know more Bollywood news and reviews, stay tuned to Booga Bollywood.